please like, share the video and subscribe the channel. Dear students, in the last session we learned about future continuous affirmative sentence. तो अब नेक्स्ट जो सेंटेंस होता है टाइप ऑफ सेंटेंस नेगेटिव, उसके हम जुमले बनाना सीखेंगे. देखिए नेगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज होता है एंड नॉट इज यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब. तो अब जो हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है सेम फॉर्मेशन रहेगा, सिर्फ हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देंगे. जैसे कि पहले इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा उसके मुताबिक. फिर उसमें जो है नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब से पहले बी लगेगा बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इस तरीके से. तो अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा शैल, उसके बाद नॉट बी और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. तो सेंटेंस बनेगा आई शैल नॉट बी गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, वी शैल नॉट बी गोइंग, हम नहीं जा रहे होंगे. और अगर सब्जेक्ट आई और वी के अलावा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सब्जेक्ट है ही तो सेंटेंस बनेगा ही शी इट दे, अगर है यू है तो उसके साथ जो है इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब विल, उसमें नॉट लगेगा और बी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईजी लगेगा. तो सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट बी गोइंग, वो नहीं जा रहा होगा, शी विल नॉट बी गोइंग, वो नहीं जा रही होंगी, दे विल नॉट बी गोइंग, वो नहीं जा रहे होंगे, इट विल नॉट बी गोइंग, ये नहीं जा रहा होगा, यू विल नॉट बी गोइंग, तुम नहीं जा रहे होंगे, इस तरीके से. तो पहले हमने अफर्मेटिव बनाया फिर नेगेटिव बनाया, तो आप उसकी एट अ टाइम जो प्रैक्टिस कीजिए, पहले अफर्मेटिव बनाइए फिर नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके से कंटिन्यूअसली. जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरे हम सेंटेंसेस अगर हम बनाए तो जुमला बनेगा आई शैल नॉट बी रीडिंग, पहले आई शैल बी रीडिंग, पहले अफर्मेटिव लेते हैं आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई शैल नॉट बी रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, शी विल बी राइटिंग, वो लिख रही होंगी, शी विल नॉट बी राइटिंग, वो नहीं लिख रही होंगी, दे विल बी कमिंग, वो आ रहे होंगे, दे विल नॉट बी कमिंग, वो नहीं आ रहे होंगे, यू विल बी रीडिंग, तुम पढ़ रहे होंगे, यू विल नॉट बी रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होंगे, इस तरीके से. तो अफर्मेटिव देन नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाइए विद मीनिंग माने के साथ और उसकी प्रैक्टिस कीजिए. अब नेक्स्ट सेशन में हम वर्बल क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वो पढ़ेंगे. टिल देन गुड बाय.